हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तनु गुप्ता। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज मैं आप सबसे गणेश चतुर्थी स्पेशल मेकअप शेयर करने वाली हूँ। सो लेट गेट स्टार्ट। सो मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके उस पर टोनर लगा लिया था। अब मैं यहाँ पर पॉन्स का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। उसके बाद 5 मिनट रुक कर मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का प्राइमर लगा रही हूँ। ये एक लाइटवेट जेल प्राइमर, ये हमें काफ़ी अच्छा स्मूथ बेस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हमारे मेकअप को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। अब मैं शुगर का फाउंडेशन स्टिक ली हूँ। इसे मैं डॉट डॉट कर अपने फेस और नेक एरिया पर अप्लाई कर लूँगी और फिर उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख रहे हो मैं किस तरह से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोग को भी बिल्कुल ऐसे ही अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है। मेरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं फिटमी का कंसीलर ली हूँ, जिसे मैं अपने हाईलाइट एरिया पर अप्लाई कर लूँगी। कंसीलर लगाने से हमारे जितने भी डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन वगैरह हैं वो सभी हाइड हो जाते हैं। सो अगेन डैप 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 एंड ब्लेंड इट। सो मेरा कंसीलर अब अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं फिटमी का लूज पाउडर ली हूँ, जिसे मैं ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी, जिससे हमारा मेकअप अच्छे से लॉक हो जाएगा और पसीना आने पर जल्दी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद मैं शीश ब्यूटी का आईब्रो जेल डिफाइनर ली हूँ। उसके साथ एक ब्रश भी आता है, उस ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रो को अच्छे से सेट कर लूँगी। और फिर स्पूली की हेल्प से अच्छे से कॉम कर लूँगी। अब मैं शुगर का 3-in-1 हाइलाइटर ब्लश एंड ब्रॉन्जर पैलेट ली हूँ। पहले मैं ब्रॉन्जर की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अच्छे से कंटूर कर लूँगी। फिर मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने नोज को अच्छे से कंटूर कर लूँगी, जिससे मेरा नोज काफ़ी शार्प दिखने लगेगा। सेम पैलेट में से पिंक कलर के ब्लश को मैं अपने दोनों चिक्स पर अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद फैन ब्रश की हेल्प से मैं अपने चिक्स बोन पर हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ। अपर लिप, चीन एंड फोरहेड पर भी हाइलाइटर को अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। अब मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से हाइलाइटर को अपने ब्रो बोन एंड आई के इनर कॉर्नर पर भी अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर बोर्ड का आई शेडो पैलेट लिया है। उसमें से ऑरेंज कलर को मैं अपने क्रीज एरिया और आईलिड पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। फिर मैं ऑरेंज कलर के ऊपर पिंक कलर ले रही हूँ और उसे अपने क्रीज एरिया और आईलिड पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। स्काई ब्लू सिमरी कलर को पिक कर रही हूँ और उसे
नीचे फिंगर की हेल्प से अपने दोनों आईलिड पर हल्की हल्की अप्लाई कर लूंगी। अब मैं ब्लू हेवन के आईलाइनर से दोनों आई पर विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं मैबलिन का काजल ली हूँ और उसे अपने आई के वाटर लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद सेम पिंक कलर आई शेडो को मैं अपने आई के लोअर लाइन पर लगा रही हूँ। मैबलिन का मस्कारा लगा रही हूँ। उसके बाद मैं माइग्लेम का रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये एक लाइट वेट एंड लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है। उसके बाद मैं हुडा ब्यूटी के मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को अच्छे से फिक्स कर लूंगी। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप सबको मेरा मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।